सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज के दिन हम आए हैं देहरादून और जहाँ पे हम आपको पूरी इंदिरा मार्केट आज दिखाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो के अंदर बने रहिएगा ताकि आप पूरी इंदिरा मार्केट अच्छे से देख सको और आपको ये देख के बहुत अच्छा लगने वाला है। इंदिरा मार्केट यहाँ की वन ऑफ द बेस्ट आइकन्स है, जैसे हमारा सरोजनी मार्केट और ऐसे बहुत सारी मार्केट फेमस है दिल्ली के अंदर, वैसे ही देहरादून की इंदिरा मार्केट भी बहुत फेमस है जो कि लाल चौक के पास है। तो आपको लाल चौक भी दिखाएंगे और इंदिरापुरी मार्केट दिखाएंगे, इसलिए चैनल को डू लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना गाइज, ताकि आप ऐसे और वीडियोज़ देख सको। आपको महाकालेश्वर उज्जैन और दुबई के व्लॉग्स देखने का शौक है तो आई बटन में जाके सारी ब्लॉग की हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो ये रहा यहाँ का फेमस लाल चौक जो कि देहरादून की जान है, जिसका नाम है दर्शन लाल चौक, जो बहुत अच्छा लगता है। जिसके ऊपर ये रही यहाँ पे लाइट। और अब मैं आपको पूरी इंदिरा मार्केट दिखाने वाला हूँ कि इंदिरा मार्केट में कैसा माहौल है, क्या क्या लगता है। और इसके अलावा यहाँ पे बड़ी फेमस गणेश छोले भटूरे वाली दुकान भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो पूरी दुकान भी आपको दिखाने वाला हूँ, उसके अलावा पूरा एरिया आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे आप यहाँ पे बोर्ड्स देख सकते हो, कितनी अच्छी सिक्योरिटी है और कितनी सफाई है, ये चीज़ बहुत अच्छी है यहाँ पे। और पहाड़ों के पास में और इस जगह पे सफाई तो बहुत अच्छी बात है। चलो चलते हैं मार्केट को देखते हैं। तो ये रही हमारी इंदिरा मार्केट, इंदिरा मार्केट को आप अच्छे से देख सकते हो। तो हम वैसे भी बाइक के ऊपर हैं तो आपको यहाँ पे पूरा दिखेगा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। यहाँ पे कोई रथ यात्रा वगैरह निकलने वाली थी, जहाँ तक कि महावीर जयंती की रथ यात्रा है, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हो कितना सुंदर है। और बेसिकली बात यह, जैसे सरोजनी मार्केट हो गई, यहाँ पे आपको कुछ भी सामान खरीदना है तो आप थ्रूआउटली पूरा सामान यहाँ पे खरीद सकते हो। और जैसे आपको कुछ भी खाने पीने का लेना है तो वो आप ले सकते हो। आगे अभी छोले भटूरे भी खाएंगे हम, तो वो भी आपको दिखाता हूँ मैं। तो ये जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ना, पूरे में मतलब ऐसा नहीं था कि आपको थोड़ा अजीब लग रहा है या कुछ अजीब सीन है, ऐसा कुछ भी नहीं था। थ्रू आउट में यहाँ पे बड़ा अच्छा सीन था, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको अजीब लगे। और जैसे खुल गया है थोड़ा सा जाम, तो देख सकते हो ये पूरा इंदिरा मार्केट का एरिया है, जहाँ पे आप पूरे में कहीं भी घूम सकते हो। थ्रू आउट पूरा एरिया यहाँ पे पूरा ऐसे ही है ब्लैंक, कि आप यहाँ पे जैसे आप बुद्धिस्ट यहाँ पे घूमते हुए दिख जाते हैं। यहाँ पे आप मतलब सब टाइप के लोग होते हैं, क्योंकि देहरादून के पास ही मसूरी है, तो आप यहाँ पे से अगर चाहें तो देहरादून से मसूरी, और अगर हम मसूरी की वीडियोज़ आपको देखनी है, दलाई हिल्स और बाकी जगह आपको देखनी है अगर मसूरी की, तो वो भी आप आई वेटर में जाकर देख सकते हो। हमने मसूरी की पूरी व्लॉग्स और पूरी वीडियो बनाई है। देहरादून के अंदर देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी को भी हमने कवर किया है, तो उसकी भी पूरी वीडियो आपको मिल जाएगी। तो चलिए आप फटाफट चलते हैं और देखते रहिए आप साइड में, पूरा व्यू आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत अच्छी मार्केट है, तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं पूरे में आपको अच्छे से दिख जाएगा कि हाँ इंदिरा मार्केट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें खरीद सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर खाने की पीने की सामान खरीदने की हार्डवेयर हर टाइप की हर एक चीज़ मिल जाती है आपको। साइबर कैफेज़ आपको कुछ प्रिंट आउट वगैरह कराना वो भी करा सकते हो, हर टाइप की चीज़ यहाँ पे मिल जाती है। और जैसे हम फर्दर अब आगे बढ़ते जा रहे हैं तो अब यहाँ पे देखोगे अभी हमारी बस छोले भटूरे वाली दुकान भी आने वाली है, जहाँ पे हम छोले भटूरे खाएंगे। गणेश नाम है उस छोले भटूरे वाली दुकान का। तो जैसे आप साइड से हमारी पूरी तरह से देख सकते हो, तो यहाँ पे पूरे में बहुत अच्छा माहौल है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आपको अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे आप जब चाहो तब आ सकते हो, ये मोस्टली हर रोज़ खुली ही होती है, तो आपको जब भी आप चाहो। और कुछ पड़ी जैसे संडेज़ को यहाँ पे बहुत भीड़ होती है, तो उसका आप ध्यान रखें आते वक्त। तो वैसे टाइमिंग यहाँ पे सुबह जल्दी खुली जाती है ये, और रेलवे स्टेशन के बहुत पास है। और हम फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे गणेश जी के यहाँ, जहाँ पे छोले भटूरे हम खाएंगे। यहाँ की बड़ी तारीफ सुनी है हमने, तो फाइनली हम बाइक पार्क करते हैं और चलते हैं कि कैसी जगह है ये। तो ये पूरा गणेश छोले भटूरे वाली जगह है, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। तो अगर आप यहाँ पर आएँ तो यहाँ पर जहाँ तक है 70 रुपये की प्लेट थी, तो छोले भटूरे आप खा सकते हैं। और ये देख लीजिए यहाँ पे लोकेलिटी आपको अगर पता करना है, तो यहाँ पे वोल्टास और हिटाची की दुकान है, उसके एग्जैक्ट सामने है ये गणेश जी। तो यहाँ पे आप छोले भटूरे खा सकते हो, बहुत अच्छी स्टफिंग भी है, फिलिंग वगैरह सब कुछ अच्छी है। यहाँ पे पानी वगैरह सब कुछ रखा है। यहाँ पे हम ले रहे हैं, देख लीजिए 70 रुपये की छोले भटूरे की प्लेट है। तो आप चाहो तो ले सामने छोले भटूरे लिए, तो आपको एक एक्स्ट्रा भी लेना है तो वो भी ले सकते हो। यहाँ बैठ के खाओ तो आपको सर्व भी करते रहते हैं हाथों हाथ। तो ये रेट्स आप देख सकते हो, आपको जो जो भी ऑर्डर करना है आप वहाँ पर वो ऑर्डर कर सकते हो। तो पूरा एरिया पे हाथ धो लो आप, यहाँ पे सफाई ऐसे गंदगी तो नहीं है देखी मैंने यहाँ पे, तो ये पूरा सफाई है। यहाँ पे ही बैठ के आप खा सकते हो, थोड़ा बैठने का बहुत अच्छा सिस्टम था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि आपको कुछ अजीब लग रहा है या कुछ अजीब सिस्टम हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो हमने बैठ के खाया, तो ये रही हमारी प्लेट, खाना शुरू करते हैं। काफ़ी टेस्टी थे, ऐसा नहीं था कि कुछ भी अजीब लग रहा है, तो ये बहुत बढ़िया और टेस्टी। तो मैं इस जगह को बहुत अच्छी रेटिंग दूंगा, काफ़ी अच्छी जगह थी। तो अच्छे छोले भटूरे हैं, खा सकते हो, काफ़ी फूले हुए भी हैं। तो अगर छोले भटूरे खाने के शौकीन है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी उससे डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइज। मैं ऐसे ही पूरा देहरादून और पूरा मसूरी आपके लिए कवर करने वाला, ऋषिकेश के अंदर भी हमने देवप्रयाग वगैरह पूरा कवर करा है, तो फर्दर हम मसूरी ही जा रहे हैं। तो आपको मसूरी की वीडियो देखने आई बटन में जाकर देख सकते हो। सो डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो में। दुबई की वीडियो देखनी है तो आई बटन में जाकर, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट देख सकते हो महाकालेश्वर उज्जैन की भी। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बी सेफ, अपने माँ बाप का ध्यान रखो, सब कुछ अच्छा काम करो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल गाइस, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।